हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के आज हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, जिसका नाम है अफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। और यहाँ पर हम दो छोटे से कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है करोजन एंड रेंसिडिटी। ये दो टॉपिक पढ़ते ही ये चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे दो टॉपिक, जिनका नाम है करोजन ऑफ मेटल्स एंड रेंसिडिटी। ओके, तो करोजन आपने पहले भी कहीं ना कहीं वर्ड सुन रखा होगा और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखा भी होगा। जनरली जब आप गर्मी आती हैं, तो जो बच्चे या जिनकी फैमिलीज में, यहाँ पे अगर हम बात करें भाई, कूलर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कूलर यूज़ करते हैं सर, ठंडी ठंडी हवा के लिए। क्या यूज़ करते हैं? कूलर यूज़ करते हैं सर। कूलर किसका बना होता है? लोहे का बना होता है सर। अब क्या होता है, आप देखते हैं जब उसमें आप पानी भरते हैं और कुछ टाइम यूज़ करने के बाद, उस कूलर की जो बॉडी होती है उसके ऊपर एक पपड़ी सी जम जाती है, रेड ब्राउन कलर की। किसकी? रेड ब्राउन कलर की। वो पपड़ी क्या है सर? उसके ऊपर क्या आ गया सर? सर वो रस्ट हो गया। उसने क्या कर लिया अपने सर के सरफेस के ऊपर? रस्टिंग कर ली सर। ठीक है, तो जैसे जैसे ये रस्टिंग प्रोसेस बढ़ता जाता है, तो आप देखते हैं आपकी कूलर की बॉडी क्या हो जाती है सर? गलने लग जाती है। उसकी स्ट्रेंथ क्या जाती है? वीक हो जाती है। इसी फेनोमेना को हम कहते हैं बेटा करोजन। क्या कहते हैं? करोजन। तो डेफिनेशन पढ़ लेते पहले इसकी एक बार। व्हाट इज मीन बाय करोजन ऑफ मेटल? और टॉपिक का नाम है अफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन इसकी, करोजन क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय करोजन ऑफ मेटल्स? ठीक, तो यहां पे हम देख रहे हैं करोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली। मतलब ये नहीं कि आपने बस लोहा खरीदा अपने घर से, पहले कूलर लेके आए और अगले दिन जंग लग गई, ऐसा होता है क्या? नो सर, इट्स टेक सम टाइम। ठीक है, मंथ्स में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, तो इट टेक सम टाइम। इसलिए यहां पे गोल्ड लिखा है हमने ग्रेजुअली। करोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एन एसिड ऑन देयर सरफेस। अगर उस आयरन को क्या मिल जाए सर? एयर तो सर ऑब्वियसली बात है, मिलेगी उसको। ठीक है, कहाँ रखा हुआ होगा कूलर? एयर में तो रखा होगा, है ना, स्पेस में थोड़ी ना देखे गए हम उसको। ठीक है, एयर मिलेगी सर। सर मॉइस्चर से क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मॉइस्चर से? वाटर मिल जाएगा। और हमें पता है एयर के अंदर कुछ एसिड्स भी होते हैं, तो ये सारी चीज जब रिएक्ट करती है तो उस सरफेस के ऊपर एक रेड ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है, और उसी लेयर को हम कहते हैं सर रस्टिंग। और ये जो करोजन प्रोसेस है, यूजली जो किसमें देखा गया है सर? आयरन में। किसमें? आयरन में। बहुत सारी चीजें में हो सकता है, बट जनरली रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करोजन। करोजन की अगर आपसे मोस्ट कॉमन फॉर्म पूछी जाती है तो क्या बताने वाले हैं आप? रस्टिंग ऑफ आयरन। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करोजन। तो बात समझ में, करोजन क्या होता है सर? जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर एयर की, मॉइस्चर की और कुछ एसिड्स की जब ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, तो सर एक रेड ब्राउन कलर के कुछ फ्लेकी सब्सटेंस उस सरफेस के ऊपर आ जाता है, और वो उसकी बॉडी को धीरे धीरे क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता रहता है, उसकी स्ट्रेंथ को वीक करता रहता है। इसलिए यहाँ पे हमने वर्ड लिखा है इन विच मेटल्स आर ईटन अप। अब वो खा गया इन द सेंस सर, उसकी स्ट्रेंथ क्या करता गया? वीक करता गया। ठीक, इसको हम बोलते हैं करोजन। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करोजन। इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन आ सकती है बेटा, एमसीक्यू के टर्म में बन सकती है। इसका प्रोडक्ट बोल देंगे कि प्रोडक्ट क्या है बेटा? रस्टिंग ऑफ आयरन के फॉर्मूले के चार ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें बोलेगा बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन का, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट दे रखा है हमने कि करोजन होता क्या है, वो समझ में आ गया आपको सर? मेटल्स धीरे धीरे क्या होते हैं? ग्रेजुअली अपनी स्ट्रेंथ को वीक करते जाते हैं ड्यू टू करोजन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन का मैंने रिएक्शन लिखी है। आयरन किसकी बेटा? आयरन की रिएक्शन किसके साथ हुई बेटा? ऑक्सीजन के साथ में। सर यहाँ पे 2XH2O, ये हमें मॉइस्चर से मिलता है पानी। वाटर जो है किस फॉर्म में मिलेगा? मॉइस्चर के फॉर्म में। एयर में क्या है बेटा? ऑक्सीजन। और किसके ऊपर हो रहा है रस्टिंग? आयरन के ऊपर। किसके ऊपर हो रहा है? आयरन सरफेस के ऊपर। तो जब Fe, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की जब रिएक्शन होती है तो सर क्या होता है सर? Fe2O3 डॉट XH2 मिलता है। क्या मिलता है?
Fe2O3.XH2O। वो बोलेंगे सर ये X क्या है? बेटा X जो है वेरी कर सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। X क्या है बेटा यहां पर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे X है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इस फॉर्मूले को बोलते हैं रस्ट का फॉर्मूला है ये। किसका फॉर्मूला? रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला है। और इसका जो नाम होता है वो होता है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। थर्ड यहां पे इसकी वैलेंसी है, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। इस फॉर्मूले को हम हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन एंड इट इज अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करोजन। तो करोजन में क्या होता है, जो भी मेटल बॉडीज होती हैं वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को वीक करती जाती हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ करोजन, ठीक है, मॉइस्चर की वजह से, एयर की वजह से। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की वजह से क्या देखने को मिल रहा है सर? हमें उस मेटल की स्ट्रेंथ क्या होती जाती है? वीक होती जाती है, ठीक है। कभी आपने ब्रिज देखे होंगे लोहे के, तो अलग से पपड़ी जम जाती है रेड ब्राउन कलर की, है ना। और जो भी जनरली लोहे के आइटम हो गए, कुछ कॉपर के आइटम हो गए, तो जहाँ पे हमने मेटल डिस्कस किया, बट रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए हमेशा क्या वर्ड यूज़ करेंगे? अगर रस्टिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं आप, तो रस्टिंग किसकी होती है? आयरन की होती है। जंग जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? जंग लग गई साहब। क्या लग गई? जंग लग गई, कूलर में जंग लग गई। फिर क्या करते हैं उस जंग से प्रिवेंट करने के लिए, क्या करते हैं आप रस्टिंग ऑफ आयरन से प्रिवेंट करने के लिए? हर साल कूलर पर क्या करते हैं आप? पेंट कर देते हैं सर। क्या करते हैं? पेंट। पेंट करने से क्या होगा? डायरेक्ट जो आयरन सरफेस है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं होता है, पानी के कांटेक्ट में नहीं होता है, एसिड के कांटेक्ट में नहीं होता है। लेकिन क्या पेंट करने के बाद भी 100% आप प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से? तो इसका आंसर होगा नो सर। वो पेंट भी धीरे 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 कुछ टाइम बाद स्लो रिएक्शन चलती रहती है और कुछ टाइम बाद हो सकता है कि जहाँ 4 महीने में रस्टिंग हो रहा हो वहाँ 1 साल में रस्टिंग होगी, बट होगी। 100% प्रिवेंशन आप नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन कुछ टाइम पीरियड आप इंक्रीज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो पेंटिंग की हेल्प से आप उसको पेंट करके क्या कर सकते हैं? आप रस्टिंग से बचा सकते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन आप बोले कि नहीं सर, आप एक बार पेंट कर दिया, अब गए 10 साल का, फ्री हो गए 10 साल के लिए, नो बेटा, नेक्स्ट ईयर आपको फिर क्या करना पड़ता है? पेंट करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे प्रिवेंशन वर्ड यूज़ किया है, मतलब आप प्रिवेंट कर सकते हैं जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, उसको आप थोड़ा सा रोक सकते हैं, कुछ टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं बेटा। ओके ओके, अब यहाँ पे हम बात कर रही है हमने करोजन की। तो पहला हमने इफेक्ट देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आपको मालूम है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसके कुछ इफेक्ट्स हैं यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट हमने डिस्कस किया करोजन ऑफ मेटल। सेकेंड डिस्कस कर रहे हैं रेंसिडिटी, सेकेंड डिस्कस कर रहे हैं हम रेंसिडिटी, एसिडिटी नहीं, रेंसिडिटी। ओके, अब सर ये रेंसिडिटी क्या होता है? एक बार बताइए, कभी आपकी मम्मी ने किसी सब्जी को बनाया होगा और उसको अपने फ्रिज में नहीं रखा होगा, और गर्मियों का टाइम था, तो अगर उसको आपने ओपनली ऐसे ही रख दिया किचन में फ्रिज, बिना फ्रिज के, तो क्या होगा? जब आप 2 से 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद उस सब्जी को खाते हैं, या किसी भी फूड प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हैं जिसमें ऑयल और फैट बेसिकली होगा, तो आप देखते हैं उसमें से एक अलग सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, अलग सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। आती नहीं आती है? ओके सर, यस सर, स्मेल आती है उसे, उसके अंदर से अन, अगर उसको आपने गलती से खा भी लिया तो टेस्ट जो होता है बड़ा ख़राब सा होता है उसका टेस्ट, अनप्लीजेंट स्मेल आती है और बड़ा ही गंदा सा टेस्ट होता है। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं रेंसिडिटी। तो ऑयल और फैट्स जो भी उस फूड प्रोडक्ट में हैं, जो भी फूड में हैं, वो क्या कर लेते हैं सर? ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है सर? हमारा जो खाना होता है, हमारा जो फूड होता है, वो ख़राब हो जाता है, उसमें से गंदी सी स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इस फेनोमेना को या इस कंसेप्ट को हमने क्या नाम दे दिया? क्या नाम दे दिया बेटा? रेंसिडिटी। ओके, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है रेंसिडिटी की। क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? रेंसिडिटी, ठीक है। अगर एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका? फैट्स एंड ऑयल का, किसके अंदर? फूड के अंदर, तो उसके अंदर से एक अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आता है जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है, उसको आप खाने की कोशिश भी मत करना क्योंकि फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है रेंसिडिटी। ओके, डेफिनेशन क्लियर हो गई सर? रेंसिडिटी में कोई डाउट? बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है, कोई नई चीज़ नहीं है सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा है ना, डेली लाइफ में देखते हैं।
ठीक है। अब सर प्रिवेंशन जो है इसका बताइए, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं इसकी? इसके काफ़ी सारे प्रिवेंशन है जो आप अपनी डेली लाइफ में, जो किचन होगी उसमें जाके आप देख सकते हैं। आप जनरली कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको आप एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। किस में रखते हैं? एयर टाइट। अलग से आप जाते हैं मार्केट में, उसे बोलते हैं भैया एयर टाइट कंटेनर दे दो। क्यों, क्या जरूरत आ गई एयर टाइट कंटेनर की? सर एयर टाइट कंटेनर क्या होगा, उसके अंदर एयर नहीं जा पाएगी। एयर नहीं जा पाएगी तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा ऑयल और फैट, और ऑक्सीजन के साथ में ऑयल और फैट रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो खराब होने से बच जाएगा। तो एक प्रिवेंशन मैंने आपको बता दिया। क्या बोला? स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर में रखिए उसको आप, ठीक है। आपको बड़ा चिप्स वगैरह खाने का शौक होता होगा, है ना, कुरकुरे वगैरह खाते होंगे तो आप देखे होंगे उसमें हवा ज़्यादा होती है और कुरकुरे कम होते हैं, चिप्स कम होते हैं, हवा ज़्यादा होती है। आप बोलते हैं हवा, वो हवा नहीं है, उसके अंदर एक गैस फील्ड है और उसका नाम है नाइट्रोजन गैस। क्या नाम है बेटा उसका? नाइट्रोजन गैस। ये क्या करता है सर? ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है, या फिर ये कह सकते हैं नाइट्रोजन इज अ अनरिएक्टिव गैस। नाइट्रोजन इज अ अनरिएक्टिव गैस, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है और ऑक्सीजन को अंदर भी नहीं आने देती क्योंकि रिएक्ट ही नहीं कर रही है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल क्या हो गई बेटा? कट हो गई। जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई तो क्या होगा सर? जो हमारे चिप्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे, उनको हम 6 महीने बाद भी खा सकते हैं। देखा ना कितने पुराने जो दुकानदार होते हैं उनकी शॉप पर कितने पुराने पुराने लगे रहते हैं, बट वो ख़राब नहीं होते। रीज़न सर उसके अंदर कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। इससे क्या होता है सर? प्रिवेंशन हो गया किसका? ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस यहाँ पे काम कर रही है, बिकॉज इट इज अ अनरिएक्टिव गैस। ओके सर, एक काम कर सकते हैं हम, खाने को जो है रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होगा सर? ऑक्सीडेशन तो क्या रेफ्रिजरेटर के अंदर एयर नहीं होगी? होगी सर, बट इसका प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, है ना। इतनी जल्दी खाना खराब नहीं होगा, ये प्रोसेस जो है स्लो हो जाएगा। ये रिटार्डेशन चालू कर देगा, रिटार्ड करना चालू कर देगा किसको? रेंसिडिटी को, ठीक है। जो आपने बाहर रखा हुआ है तो उस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से वो सपोर्ट करता है। जब आपने फ्रीज के अंदर रखा हुआ है तो टेम्परेचर बहुत लो है, जब लो टेम्परेचर होता है तो सर वहाँ पर ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर हम अपने खाने को, अपने फूड को किस में रख सकते हैं सर? रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। ओके, इट कैन बी रिटार्टेड बाई स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। लाइट से भी आप दूर रखिए, ये नहीं कि आपने बहुत लाइट जहाँ पर बहुत ज़्यादा है या फिर आपने ओपनली रख दिया तो अभी बेसिकली क्या होगा, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से अगेन क्या होगा सर? ऑक्सीडेशन होगा, इस वजह से वो खाना खराब हो जाएगा। तो बाई स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। ओके, ये वाला पॉइंट हो गया, नाइट्रोजन गैस, रेफ्रिजरेटर हो गया, टाइट कंटेनर्स हो गया, अवे फ्रॉम लाइट हो गया। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी आते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं बेटा? रोकते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। जनरली दो टाइप के होते हैं, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, ठीक है। तो ये दो मैंने आपको क्या कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट के नाम बताए, इसको कोई बोर्ड में पूछने वाला नहीं है। तो बस सिंपली आपको याद रखना है कि सर एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, अगर हम एंटीऑक्सीडेंट को क्या कर दें, ऐड करा दें उस फूड के अंदर, तो वो क्या करते हैं सर? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट इजीली नहीं करते हैं, और जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपका खाना ख़राब नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये था हमारा प्रिवेंशन किसका? रेंसिडेंटी का। रेंसिडेंटी आपको समझ में आ गया सर क्या होता है? ऑयल और फैट्स का ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से खाना खराब हो जाता है, उसका स्मेल भी खराब आती है और टेस्ट भी खराब होता है। सर करोजन क्या होता है? सर करोजन जहाँ पर मेटल ईटन अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ, अगर वो रिएक्ट कर जाए किसके साथ में? मेटल किसके साथ में रिएक्ट कर जाए? एयर के साथ में, मॉइस्चर के साथ में, कुछ एसिड्स के साथ में, तो उसके सरफेस पे एक लेयर क्रिएट होती है और वो उसको डैमेज करती है, ईटन अप करती है, ख़राब करती है। उसके लिए प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल में उसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ करोजन। ओके, बट यहाँ पे आपको रस्टिंग ऑफ आयरन जो आपको है फॉर्मूला वो अच्छे से आना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है रस्टिंग का Fe2O3.XH2O। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग, एंड रस्टिंग इज ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करोजन, ठीक है। रस्टिंग एक फॉर्म है किसकी? करोजन की। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। रस्टिंग किसके लिए बोलते हैं हम? आयरन के लिए। किसके लिए? आयरन के लिए। कॉपर के लिए हम रस्टिंग वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, और किसी मेटल के लिए रस्टिंग वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। आयरन का जो करोजन प्रोसेस होता है उसको ही हम रस्टिंग कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज टू स्मॉल टॉपिक्स, रेंसिडिटी एंड करोजन। ओके गाइज, तो अगेन
पूरे चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वोट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लिंक में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ। बाय बाय, टेक केयर।